हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम साक्षी फ्रॉम लॉ प्रेप जुडिशियरी। आज का हमारा टॉपिक है इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। हम लोग सारे वही टॉपिक्स डिस्कस करेंगे अपने सीरीज में, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे वो कोई भी जुडिशियरी का एग्जाम हो, कोई भी स्टेट जुडिशियरी हो, या फिर आपके लीगल एग्जाम्स हो, जो LLB के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, उसके बाद प्रिलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, कोई भी स्टेज हो, ये जो टॉपिक्स होंगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने वीडियोस में, अपने चैनल पे, वो एग्जाम्स में आने के हाई चांसेस होते हैं। तो कोई भी वीडियो को मिस मत करना, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है कि इनहेरेंट पावर कौन सी कोर्ट को है, कौन सी कोर्ट में इनहेरेंट पावर वेस्टेड है। तो जहां हम बात करते हैं क्रिमिनल मैटर्स की, तो क्रिमिनल मैटर्स में या क्रिमिनल कोर्ट्स में इनहेरेंट पावर जो होती है वो सिर्फ हाई कोर्ट के पास है। ओके, ओनली हाई कोर्ट हैज इनहेरेंट पावर इन क्रिमिनल केसेस, वेयर एज इन सिविल केसेस इनहेरेंट पावर इज टू एनी कोर्ट। सिविल मैटर्स में कोई भी कोर्ट इनहेरेंट पावर एक्सरसाइज कर सकती है, वेयर एज क्रिमिनल मैटर्स में सिर्फ हाई कोर्ट के पास ही पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कौन से सेक्शन में प्रोवाइडेड है इनहेरेंट पावर्स। तो इनहेरेंट पावर्स आर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 482 ऑफ CRPC टू हाई कोर्ट। नेक्स्ट आ जाता है कि इट इज अ सेविंग प्रोविजन। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट दिस डाउन कि ये एक सेविंग प्रोविजन है। ये एक हाई कोर्ट को पावर देता है बचाने के लिए कि कोई भी मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो रहा है, अब्यूज हो रहा है, तो उससे आप बचाओ उस पर्सन को, इसलिए इसको सेविंग प्रोविजन कहा जाता है। ये आप इसको आप जनरली अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ये पावर हाई कोर्ट एक्सरसाइज करता है। नेक्स्ट आ जाता है, इट डज नॉट कन्फर एनी न्यू पावर। ये हाई कोर्ट को कोई भी न्यू लॉज या न्यू पावर नहीं दे रहा है, ये सिर्फ बता रहा है कि जहां पे कोई भी पावर नहीं है आपके पास, वहां पे आप अपने इनहेरेंट पावर को यूज कर सकते हैं, बट प्रिजर्व द इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट। ओके, नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्ट, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिएटिंग इनहेरेंट पावर। इनहेरेंट पावर को हाई कोर्ट को देने का ऑब्जेक्ट क्या था? तो उसका ऑब्जेक्ट ये था कि इसी, क्या होता है ना, जब लेजिस्लेचर लॉ बना रहे थे तो वो हर सर्कमस्टांस को इमेजिन नहीं कर सकते कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, सब कुछ वो इमेजिन नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने, सेक्शन 482 ऐड कर दिया इनहेरेंट पावर, कि अगर कोई भी ऐसे सर्कमस्टांस हो जाता है जिस पे हमने लॉ नहीं बनाया है, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा हाउ टू डील विद द सेम, या फिर अगर अब्यूज ऑफ कोर्ट हो रहा है, अब्यूज ऑफ प्रोसेस हो रहा है, तो आप उसे कैसे रोकेंगे, तो वहां पे आप अपनी इनहेरेंट पावर एक्सरसाइज कीजिए एंड उस मैटर को सेव कर दीजिए। ओके, एक बार हम रीड ऑन कर देते हैं। द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ एवरी कोर्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड द सिक्योर एंड ऑफ जस्टिस। कोई भी कोर्ट है उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो पहला ऑब्जेक्ट होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है? दूसरा ऑब्जेक्ट हो जाता है एंड ऑफ जस्टिस को सिक्योर करना। नेक्स्ट, लेजिस्लेचर कैन नॉट इमेजिन ईच एंड एवरी सर्कमस्टांस विच में अराइज इन द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग। लेजिस्लेचर उसे इमेजिन नहीं कर सकता था। देयरफॉर इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली डिस्पेंस जस्टिस, कोर्ट मस्ट पोजेस सर्टेन पावर टू अनडू द रॉन्ग। कोर्ट के पास सर्टेन पावर्स ऐसी होनी चाहिए जो कोई भी रॉन्ग हो रहा है तो उसे अनडू कर दे। इट इज फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग जस्टिस The abuse of the court. तो inherent power उन्हें दे दी जिससे कि justice है उसे secure किया जाए, process of court जो abuse हो रहा है उसको रोक दिया जाए। Next, circumstances in which inherent powers can be invoked. Next question आपका यहां से बनता है कि CRPC में कौन से तीन circumstances है जिसमें High Court अपनी inherent power को exercise कर सकता है। तो पहला circumstance है to give effect to any order passed by the court. कोर्ट कोई भी ऑर्डर अगर पास कर रहा है तो उसे इफेक्ट में लाने के लिए उसको हाई कोर्ट इनहेरेंट पावर एक्सरसाइज कर सकता है। सेकंड, टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट। कोई भी कोर्ट है उसका प्रोसेस है उसे अब्यूज हो रहा है, पार्टीज उसे गलत तरीके से यूज कर रही है, तो उसको रोकने के लिए इनहेरेंट पावर एक्सरसाइज की जा सकती है। एंड थर्ड है टू सिक्योर एंड ऑफ जस्टिस। यहाँ पे सारी बात ही खत्म हो जाती है कि एंड ऑफ जस्टिस को रोकने के लिए जो भी पावर हाई कोर्ट को चाहिए वो अगर CRPC में या किसी भी लॉ में प्रोवाइडेड नहीं है तो इनहेरेंट पावर के थ्रू वो कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट इन स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल। नोट दिस डाउन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ये लैंडमार्क जजमेंट है इनहेरेंट पावर को लेके, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने चार गाइडलाइंस दी थी जिसमें बताया गया कि इनहेरेंट पावर कब एक्सरसाइज करनी होगी, कौन कौन से सर्कमस्टांसेस कोर्ट के सामने आए तो उसको इनहेरेंट पावर एक्सरसाइज करनी होगी। ओके, तो Supreme Court let down the instances where the use of power under section 482 would be proper.
ये चार सर्कमस्टांसेस जो सुप्रीम कोर्ट ने बताए थे इसमें 482 की पावर यूज करना प्रॉपर माना गया है। तो सबसे पहला आता है वेयर द एलिगेशन इन एफआईआर कंप्लेंट इवन इफ टेकन ऑन फेस वैल्यू डू नॉट प्राइमा फेसी कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस। तो पहला कंडीशन ये है कि जो भी एफआईआर या कंप्लेंट में एलिगेशंस लगाए गए हैं प्राइमा फेसी उनको देख के लगता ही नहीं कि कोई ऑफेंस बन रहा है, तो वहां पे हाई कोर्ट इनहेरेंट पावर यूज करके एफआईआर को या उस कंप्लेंट को क्वेश कर सकता है। ओके जहां पे हाई कोर्ट को लगता है कि प्राइमा फेसे कोई केस नहीं बन रहा है, कोई भी ट्रायल के अंदर एंटर नहीं करना है हमें, तो उस केस में ये जो फेक एलिगेशन या फॉल्स एलिगेशन उन्हें लग रहे हैं उसको रोकने के लिए उस एफआईआर या कंप्लेंट को क्वेश कर सकते हैं। सेकंड, वेयर देयर इज लीगल बार अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन और कंटिन्यूएंस ऑफ एनी प्रोसीडिंग। कोई भी प्रोसीडिंग ऐसी है जिसको इंस्टीट्यूट करने में या कंटिन्यू करने में लीगल बार है, यानी लीगली उसे अलाउ नहीं किया जा रहा है, लॉ उसे अलाउ नहीं कर रही है ड्यू टू एनी डिफेक्ट और एनी एरर, तो उस केस में इनहेरेंट पावर वहां पे यूज की जा सकती है। नेक्स्ट आता है वेयर द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आर मैलिशियसली इंस्टीट्यूटेड। जो प्रोसीडिंग है वो मैलिशियसली इंस्टीट्यूट किया है, रॉन्ग इंटेंशन से इंस्टीट्यूट किया है, डिफेंडेंट को हार्म करने के लिए इंस्टीट्यूट किया है, तो वहां पे हाई कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर यूज कर सकता है। नेक्स्ट, वेयर द एलिगेशंस आर सो एब्जर्ड। ओके, एलिगेशंस आर सो एब्जर्ड एंड इनहेरेंटली इम्प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल on the basis of which no prudent person can ever reach a just conclusion that there is sufficient ground for proceeding against the accused। ठीक है, जो allegations लगाए हैं वो इतने improbable है और इतने improper है कि एक prudent person भी बता सकता है कि ये senseless grounds है, इन पे आप allegation नहीं लगा सकते, ये accused को सिर्फ defame करने के लिए, या जिस person पे allegation लगाए हैं उसके सिर्फ defame करने के लिए, उसको हैरेस करने के लिए वो एलिगेशन लगाया है, तो वहां पे हाई कोर्ट अपनी ये पावर एक्सरसाइज कर सकता है और इन पावर्स को एक्सरसाइज करके वो एफआईआर या कंप्लेंट को क्वेश कर सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट। आपको इसको लेके कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बिलो। थैंक यू।